कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगा तो उसको पीछे से हवा देने के लिए हम तैयार है। ए दीदी आप समझ लो, आपके हवा देने से भी दिल्ली की पत्ते नहीं हिलने वाली है, और आप जहां हो वहां की लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। दीदी मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान में कि इनके 50 सीट पर भी उम्मीदवारी नहीं कर रही हैं और बोल रही है कि दिल्ली के तख्तोताज को मोदी को हटाकर हम यहाँ पर तख्तोताज पर काबिज होंगे, ऐसा दिवा सपनों दीदी आप देखना छोड़ दीजिए। ये पर नजर, एक तरफ भारत का शेर जो पूरे डंके के चोट के साथ पूरे विश्व में अपनी दम्भे के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ एक कुर्सी के लिए चट्टाई पर सारे नेता बैठे हुए हैं कि कुर्सी को हम देखें, चट्टाई पर नहीं कुर्सी पर बैठने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए। हम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है, सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं तो उसमें कौन मरा है उसका सबूत दीजिए। और दूसरा बात ये कही दीदी जी ने कि आपको सबूत के साथ साथ ये बताना पड़ेगा, ये झूठ बोले, ये झूठ पर आधारित टीएमसी काम कर रही है, सारा जीवन टीएमसी के नेता झूठ पर चल रही है, झूठ पर चल रही है। और सबसे दुखजनक बात, सबसे अविश्वसनीय बात, सबसे भारत के लोगों को बंग